मैं अजय चौहान फार्मर द जर्नलिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हैं एक फील्ड पे जहाँ बनाना की खेती की जाती है और आज हम एक मेजर डिजीज़ जो बनाना की जो डिजीज़ है पनामा विल्ट जिसे हम बोलते हैं, जिसका नाम है लोकल लैंग्वेज में, इससे जो लीफ होती है बनाना की वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, उसमें पूरा क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, सूख जाती है और नीचे लटक जाती है जो पत्तियाँ होती है वो, तो उस वो लोग किसके कारण होता है, उसके लक्षण हम कैसे पहचाने और उसका निश्चित ही तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी उसका मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हमारी फसल को नुकसान न हो, तो आज हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बनाना का प्लांट है और बहुत सारे प्लांट है ऐसे, तो आगे आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ लीफ जो है ये ड्राई हो चुकी है, आप देख सकते हो, तो इसमें पनामा डिजीज एंटर कर चुकी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस डिजीज़ का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि हमारी उपज जो है अधिक से अधिक हमें प्राप्त हो सके, तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। दोस्तों ये जो फ्यूजीरियम ऑक्सीस्फोरियम नामक एक पैथोजन होता है जो हमारी फील्ड में एंटर कर जाता है, प्लांट में एंटर कर जाता है, जिसके कारण ये पनामा डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा लेकिन इसके लक्षण ज़रूर देखे होंगे अपने, हर बनाना की फील्ड में ये डिजीज़ आनी निश्चित ही होती है, आती है। अब दोस्तों इसके लक्षण दिखते कैसे, दोस्तों लगभग 5 से 6 महीने हो जाते हैं प्लांट को, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो इसकी जो लोअर लीव्स होती है, जो नीचे वाली पत्तियां होती है, उस पर इसके लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। सबसे पहले जो हमारी लीफ होती है, आप देख सकते हो कि ये हमारी लीफ है, तो सबसे पहले ये जो पिटियोल है यहाँ से इस पर एक पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये जो डंठल से, पत्ती के डंठल से, तो पूरे लीफ, पूरी जो पत्ती है वो पीली हो जाती है और धीरे धीरे पूरा प्लांट पीला होने लगता है। तो इस रोग के लक्षण इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों ये डिजीज़ धीरे धीरे आगे बढ़कर पूरे प्लांट को ड्राई कर देती है, येल्लो होने के साथ साथ प्लांट ड्राई होते चलता है और जो बंच होता है उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। बात करते हैं इस डिजीज़ के मैनेजमेंट पर जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहली बात तो यही कि हम डिजीज़ फ्री शकर्स का उपयोग करें। दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई संक्रमित पौधा हमें दिख जाता है तो उसे तुरंत ही उखाड़ कर हमें फील्ड से बाहर फेंक देना है और उस प्लांट का जो गड्ढा बनेगा उसे चूना डाल देना है, उसमें एक किलो उसमें चूना डाल के उस गड्ढे को पैक कर देना है ताकि उसके जो पैथोजन जो सॉयल में है, जो मिट्टी में है, वो वहीं पे डेथ हो जाए, वो मर जाए। उसके बाद में हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं फंगीसाइड से, जो भी मैंकोजेल है, कार्बनडाइऑक्साइड है, 0.2% के हिसाब से हमें ड्रेंचिंग करना है और हमें डिजीज रेजिस्टेंस शकर्स का उपयोग करना है, जैसे पुअन होती है, बसराई होती है, उस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं इस डिजीज़ को और हमारे प्रोडक्शन को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी आपको मैंने बताई है, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और निश्चित ही इस जानकारी से इस डिजीज़ को रोका जा सकता है। जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है उसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अलग अलग जानकारियाँ लेकर आएंगे जो आपके लिए निश्चित ही कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू।